बेमेतरा राष्ट्रपति पर फेसबुक पर आपत्तिपूर्ण टिप्पणी। सोशल मीडिया में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ टिप्पणी पर भड़के साजा के वकील और सामाजिक संगठन के लोग पुलिस अधीक्षक के पास ज्ञापन सौंपकर युवक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पूरा मामला बेमेतरा जिला के अंतर्गत साजा विधानसभा का है, जहां ग्राम लोधी खपरी निवासी बादल लोधी नामक व्यक्ति द्वारा इन दिनों सोशल मीडिया पर अनगढ़ टिप्पणी किया गया है। केंद्र सरकार की किसान बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर उक्त युवक के द्वारा अपने फेसबुक आईडी से अमर्यादित अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया में किया है, जिसे शुभ्ध होकर साजा के वकील और सामाजिक संगठन के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है और नाराज लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को ज्ञापन सौंपकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि देश के राष्ट्रपति के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग अनुचित है और मर्यादा का उल्लंघन है। देश के महामहिम के खिलाफ सोशल मीडिया में एक नागरिक को टिप्पणी करना पूर्णतः अनुचित है। कार्यालय आए थे आप लोग आज? साजा विधानसभा के खपरी गांव का रहने वाला एक लड़का बादल लोधी जी महामहिम राष्ट्रपति के बारे में अभद्र टिप्पणी किया और वो टिप्पणी ऐसा किया है जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है और महामहिम के लिए टिप्पणी करना बड़े शर्म का विषय है। हम एसपी साहब को ये कहने आए थे, ज्ञापन देने आए थे कि इस पे कार्रवाई कर सख्त जांच कर सख्त कार्रवाई करें। दूसरी बात यह है कि ये लड़का लगातार कई घटनाओं में संलिप्त पाया गया, इसके ऊपर अभी पुलिस रिपोर्ट भी हुई थी, धाराएं भी लगी है, लेकिन फिर भी अपने बाज नहीं आ रहा है और लगातार समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। एसपी साहब को हमने सबने ये बताया कि इस पर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देखिए, आज हम सभी लोग साजा के प्रबुद्ध व्यक्ति लोग आए हुए हैं। उसका प्रमुख कारण है कि साजा विधानसभा में एक व्यक्ति जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो व्यक्ति जो है साजा में रह के देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के ऊपर उसने लिखा है कि हमारे देश के राष्ट्रपति गुलाम हैं। तो ये शब्द सुनने के बाद और व्हाट्सएप में और फेसबुक में चलने के बाद हम लोगों के मन में पीड़ा हुई है, क्योंकि देश के महामहिम के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी अगर कोई करता है तो क्षम्य नहीं है। हम लोगों ने आकर यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें कही हैं और इसकी कापी महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रकार अभद्र व्यवहार या अभद्र भाषा का उपयोग कोई करता है उसके ऊपर उसके संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस सर, राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बारे में शिकायत हुई, क्या मामला सर? अभी हमारे पास ग्राम लोधी खपरी के एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पे राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने के लिए शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत पे जांच करके जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।